हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है इस आचार्य सीरीज़ में। हम अलग अलग आचार्यों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो आज हम चर्चा करेंगे श्री बलदेव विद्याभूषण के बारे में। तो श्री बलदेव विद्याभूषण जो है वो हमारे परंपरा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य है, और वो हमारे परंपरा में जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनके शिष्य थे, बलदेव विद्याभूषण उनके शिष्य थे उद्धव दास बाबाजी महाराज, और उद्धव दास बाबाजी महाराज के शिष्य थे मधुसूदन दास बाबाजी महाराज, और मधुसूदन दास बाबाजी महाराज के शिष्य थे जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज के शिष्य थे भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर के शिष्य थे गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज, गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज के शिष्य थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य थे श्रील प्रभुपाद, हमारे एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो ऐसे ये परंपरा में श्री बलदेव विद्याभूषण आते हैं। तो इनके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो ये जो है दीक्षा परंपरा नहीं है, लेकिन हमारी शिक्षा परंपरा है। तो ये सारे जो है ये शिक्षा गुरु है, तो शिक्षा परंपरा कहते हैं इसको, दीक्षा परंपरा। तो श्री बलदेव विद्याभूषण जो है उनका जन्म 1720 में हुआ रेमुना के पास के एक गांव में, जो कि ओडिशा में है, रेमुना से नज़दीकी एक गांव है, उस गांव में उनका जन्म 1720 में हुआ। और हम देखते हैं कि कैसे बलदेव विद्याभूषण जो है उनका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे संप्रदाय में, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने जो भगवद्गीता है, भगवद्गीता अगर आप खोलेंगे और भगवद्गीता का पहला पन्ने पे श्रील प्रभुपाद ने क्या लिखा है, दिस बुक इज डेडिकेटेड टू बलदेव विद्याभूषण। तो भगवद्गीता जो है श्रील प्रभुपाद ने बलदेव विद्याभूषण को अर्पण की है। तो इतने महत्वपूर्ण आचार्य हमारे श्री बलदेव विद्याभूषण, और श्रील प्रभुपाद ने भी काफ़ी सारे उनकी कमेंट्री जो है भगवद्गीता की बलदेव विद्याभूषण से ली है। जो गीता भाष्य करके उन्होंने कमेंट्री लिखी थी बलदेव विद्याभूषण ने, तो उसी से श्रील प्रभुपाद ने काफ़ी सारे जो महत्वपूर्ण तत्व वहीं से लिए हैं भगवद्गीता एज इट इज़ में। तो इसलिए उन्होंने श्रील प्रभुपाद ने भगवद्गीता एज इट इज़ डेडिकेट की है श्री बलदेव विद्याभूषण को। तो बलदेव विद्याभूषण को हमारे परम्परा के संरक्षक करके माना जाता है, प्रोटेक्टर ऑफ आवर संप्रदाय, गौड़िया संप्रदाय। तो आगे हम देखेंगे कैसे गौड़िया संप्रदाय पे एक बहुत ही बड़ा संकट आया था, तो उस संकट से बलदेव विद्याभूषण ने हमारे संप्रदाय को बचाया, इसलिए उनको हमारे गौड़िया संप्रदाय के एक रक्षक करके, एक प्रोटेक्टर करके माना जाता है। और उन्होंने जो दीक्षा ली थी वो मधवा संप्रदाय से ली थी, तो मधवा संप्रदाय में उन्होंने दीक्षा, शिक्षा और संन्यास भी जो है वो मधवा संप्रदाय में ही लिया था। तो बाद में जब भ्रमण करते थे, कर रहे थे वो एक बार प्रचार के लिए, तो प्रचार करते करते एक बार वो जगन्नाथपुरी पहुँचे, और जगन्नाथपुरी में वो एक वैष्णव से मिले जिनका नाम था राधा दामोदर गोस्वामी। तो ये राधा दामोदर गोस्वामी जो है श्यामानंद पंडित के परंपरा में आते हैं, श्यामानंद पंडित के जो शिष्य थे रसिकानंद प्रभु, और उनके शिष्य जो है वो है राधा दामोदर गोस्वामी। तो बहुत ही बड़े वैष्णव थे और भगवान की भक्ति करते थे, वो गौड़ीय परंपरा में आते हैं राधा दामोदर गोस्वामी। तो जब बलदेव विद्याभूषण राधा दामोदर गोस्वामी से मिले तो उनसे बहुत ही प्रभावित हुए, और जब राधा दामोदर गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के बारे में बताया बलदेव विद्याभूषण को, तो उससे और भी प्रभावित हुए वो, और फिर बाद में उन्होंने वहीं पे निश्चय कर लिया कि वो गौड़िया संप्रदाय से जुड़ जाएंगे। तो हालांकि उन्होंने मध्वा संप्रदाय में दीक्षा, शिक्षा और संन्यास भी लिया था, लेकिन बाद में क्योंकि राधा दामोदर गोस्वामी के प्रभाव से और उन्होंने जो महाप्रभु की शिक्षाएँ बताई उनके प्रभाव से वो गौड़िया संप्रदाय से जुड़ना चाहते थे। तो उन्होंने राधा दामोदर गोस्वामी को विनंती भी की कि मैं
मुझे आप दीक्षा दो, लेकिन राधा दामोदर गोस्वामी ने उन्हें दीक्षा नहीं दी लेकिन शिक्षा ज़रूर दी। उन्होंने कहा कि आप जो है मध्वा संप्रदाय से है और मध्वा संप्रदाय एक प्रामाणिक संप्रदाय, तो आपने यहाँ से दीक्षा लेना, मुझसे दीक्षा लेना वो अपराध माना जा सकता है मध्वा संप्रदाय के लिए, इसलिए आप दीक्षा, मैं तो दीक्षा नहीं दूंगा लेकिन आप मुझसे शिक्षा ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। गौड़िया संप्रदाय के जो भी तत्व है, महाप्रभु ने जो भी शिक्षाएँ दी है, जो गोस्वामी ने शिक्षाएँ दी है, उसके बारे में आपको मैं ज़रूर बता सकता हूँ। तो फिर उन्होंने कुछ दिन वहाँ पे रहे, बल्ले विद्याभूषण पुरी में राधा दामोदर गोस्वामी से उन्होंने शिक्षा ली और वहीं पे उन्होंने घोषित भी कर लिया कि मैं अभी गौड़िया संप्रदाय से जुड़ गया हूँ, और उसके लिए एक बड़ा एक आयोजन भी किया, एक सेरेमनी, एक फेस्टिवल आयोजित करके उन्होंने ये घोषित कर दिया कि मैं अभी गौड़िया संप्रदाय से कनेक्टेड हूँ, संबंधित हूँ। लेकिन उन्होंने दीक्षा नहीं ली राधा दामोदर गोस्वामी की, उन्होंने दी नहीं क्योंकि वो अपराध माना जा सकता है, लेकिन वो संप्रदाय से जुड़ गए, गौड़िया संप्रदाय से जुड़ गए। फिर बाद में वो राधा दामोदर गोस्वामी ने कहा बल्ले विद्याभूषण को कि आप और जो शिक्षा है प्राप्त करने के लिए वृंदावन चले जाओ, और वृंदावन में एक बहुत ही बड़े वैष्णव है, शुद्ध भक्त है, जो कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनसे आप शिक्षा प्राप्त करो। तो फिर बलदेव विद्याभूषण ने अपने जो शिक्षा गुरु है राधा दामोदर गोस्वामी, उनकी आज्ञा मानकर जगन्नाथपुरी से वृंदावन चले गए, और वृंदावन में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इनसे मिले, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो कि भगवान के एक शुद्ध भक्त है, उनसे मिले और उनसे श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया। श्रीमद् भागवतम जो कि रसमालयम है, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को हमारे संप्रदाय में रसिक आचार्य कहते हैं। उन्होंने जो अलग अलग भाष्य लिखे हैं, जो श्रीमद् भागवतम पे जो भाष्य लिखा है सारार्थ दर्शनी, वो इतना रसिक है और सारे वैष्णव उसका गुणगान करते हैं और उसका आस्वादन करते हैं। तो ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हैं उनको रसिक आचार्य कहा है। तो ऐसे रसिक आचार्य जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, उनसे बलदेव विद्याभूषण ने शिक्षा प्राप्त की, श्रीमद् भागवतम का श्रवण उनसे किया, तो उनसे और भी प्रभावित हुए, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी उनसे वही कहा कि आप शिक्षा जरूर प्राप्त कर सकते हैं, गौड़िया संप्रदाय से जुड़ भी सकते हैं, लेकिन आप जो है दीक्षा नहीं ले सकते क्योंकि वो जो है अपराध माना जाएगा मध्वाचार्य के प्रति। तो इसीलिए उन्होंने शिक्षा प्राप्त की उनसे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से, और वहाँ पर रहे कुछ समय, और फिर उन्होंने जीव गोस्वामी के जो षड संदर्भ है उसका भी अध्ययन किया और उससे और भी प्रभावित हुए। जीव गोस्वामी से जो षड संदर्भ है, अलग अलग छः संदर्भ लिखे जीव गोस्वामी ने, उसका उन्होंने पठन किया और जीव गोस्वामी के जो ये सारे संदर्भ है उससे बहुत प्रभावित हुए। तो पूरी तरह से गौड़िया संप्रदाय से वो जुड़ गए, वृंदावन में काफ़ी समय रहे वो, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली। उसी समय क्या हुआ, जो जयपुर है जहाँ पे राधा गोविंद के विग्रह जिनका मंदिर है जयपुर में, वहाँ पे क्या हुआ, जो रामानंदी संप्रदाय थे, तो जो ये राधा गोविंद के जो डीटीज़ हैं जयपुर में, वो पहले वृंदावन में थे, रूप गोस्वामी के द्वारा स्थापित हुए राधा गोविंद देव, क्योंकि मुग़लों ने जो अटैक किया था, औरंगज़ेब ने जो अटैक किया था, उसके कारण सारे डीटीज़ जो है वृंदावन के काफ़ी सारे जयपुर लेके गए, यहाँ पे राजपूत राजा थे जिन्होंने ये डीटीज़ या विग्रह को बचा के रखा। तो ऐसे ही जो राधा गोविंद के जो विग्रह है वो वृंदावन से कहाँ पहुँचे, जयपुर पहुँचे। तो एक ही जो डीटीज़ है, विग्रह है राधा रमण के, जो कि ओरिजिनल अभी भी वृंदावन में है, बाकी सारे जो डीटीज़ हैं वो प्रतिभू मूर्ति हैं, हालांकि प्रतिभू और स्वयंभू में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन जो ओरिजिनल डीटीज़ है सारे वृंदावन के, वो जयपुर के आजू बाजू जो जगह है वहाँ पे स्थापित हुए हैं, क्योंकि मुग़लों ने अटैक किया था, आक्रमण किया था वृंदावन पे। तो ऐसे ही राधा गोविंद के विग्रह, उनका बड़ा भव्य मंदिर जयपुर में है, और अभी वृंदावन में जो है वो प्रतिभू मूर्ति है।
तो वहाँ के जो राजा थे राजा जय सिंह, वो बड़े भक्त थे, बड़े राजपूत थे, तो उन्होंने ये राधा गोविंद की सेवा जारी रखी जयपुर में, और काफ़ी सारे गौड़िया वैष्णव जो थे वो राधा गोविंद की सेवा करते थे हर रोज। राधा रानी और गोविंद देव, राधा और कृष्ण दोनों की सेवा अच्छी तरह से चल रही थी, और राजा जय सिंह वो खुश थे, बाकी जो गौड़िया संप्रदाय के जो गौड़िया वैष्णव थे वो भी खुश थे। लेकिन एक बार जो रामानंदी संप्रदाय है, रामानंदी जो कि गलता करके गांव है, जयपुर से कुछ ही दूरी पे ये गांव है गलता, वहाँ पे उनका बड़ा सेंटर है, मठ है रामानंदीज का। तो ये रामानंदीज कौन है? ये रामानंदी जो है रामानुजा संप्रदाय या श्री संप्रदाय से ही जुड़े हैं, लेकिन थोड़े से अलग हो गए। रामानुजाचार्य ने लक्ष्मी नारायण की पूजा करने के लिए कहा था, और रामानुजाचार्य के जो भी अनुयायी हैं, श्री संप्रदाय के जो भी अनुयायी हैं, वो लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। लेकिन जो रामानंदीज है जो कि नॉर्थ इंडियन रामानुजाचार्य के जो अनुयायी है, उन्होंने लक्ष्मी नारायण की जगह पे सीताराम की पूजा। तो ये जो रामानंदी है, रामानंदी रामानुजाचार्य के ही अनुयायी हैं, बस उन्होंने लक्ष्मी नारायण की पूजा करने के बजाय सीताराम की पूजा करते, बाकी सारे तत्व सेम ही हैं। तो रामानंदी संप्रदाय में रामानंद करके एक बड़े आचार्य होके गए, तो उन्होंने ये संप्रदाय शुरू किया जो कि श्री संप्रदाय से ही जुड़ा हुआ है। तो ऐसे रामानंदी जो थे गलता में रहते थे, जयपुर से बहुत ही नज़दीक ये जगह है गलता, उनका बड़ा वहाँ पे मठ है रामानंदियों का। तो उन्होंने ये चैलेंज किया, राजा जय सिंह जो थे उनको ये चैलेंज दिया कि आपका जो आप ये करते पूजा करते राधा रानी की, वो प्रामाणिक नहीं है, वो शास्त्रीय नहीं है, क्योंकि राधा रानी का विवाह ही नहीं हुआ था भगवान कृष्ण से, तो राधा गोविंद की पूजा नहीं करनी चाहिए, आप सिर्फ भगवान की गोविंद की पूजा कर सकते हैं। और दूसरा वो बोले कि आपका जो गौड़िया संप्रदाय है उसका भी शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। तो ये गौड़िया कहाँ से आया, क्योंकि चार ही संप्रदाय है। तो ऐसे जब उन्होंने राजा से कहा तो राजा ने तुरंत एक पत्र भेजा वृंदावन में, किसको? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। वहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो भगवान के बहुत ही बड़े शुद्ध भक्त थे, उनको वो पत्र भेजा और कहा कि गौड़िया संप्रदाय के ऊपर संकट आया है, आपको बचाना है गौड़िया संप्रदाय को, तो कृपया करके आप यहाँ पे आइए और ये रामानंदी जो पंडित है उनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो जब ये पत्र मिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को, तो उन्होंने पत्र पढ़ा, वो काफ़ी दुखी हुए क्योंकि राधा रानी की सेवा उस समय के लिए रुक गई थी, और जो गौड़िया वैष्णव जो सेवा कर रहे थे, पूजा अर्चा कर रहे थे राधा गोविंद के, वो भी पूजा करने से वंचित हो गए थे कुछ समय के लिए, क्योंकि रामानंदी संप्रदाय के जो अनुयायी थे उन्होंने ये चैलेंज रखा था। तो फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने शिष्य जो है बलदेव उनको बुलाया और कहा कि आप जाओ मेरी जगह पे, क्योंकि मैं तो अभी बहुत वृद्ध हो गया, मैं अभी नहीं जा सकता जयपुर, तो मेरे जगह पे आप जाओ और उन रामानंदी जो अनुयायी है, रामानंदी संप्रदाय के जो अनुयायी है, उनसे आप ये प्रूव करो, ये स्थापित करो कि कैसे गौड़िया संप्रदाय एक प्रामाणिक है। तो बलदेव विद्याभूषण अपने गुरु के आशीर्वाद लेते हैं और उनके साथ और एक पुजारी जाते हैं और एक उनके साथ भक्त जाते हैं जिनका नाम था कृष्णदेव सार्वभौम। ये जो और एक दूसरे शिष्य थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के, कृष्णदेव सार्वभौम। तो ऐसे कृष्णदेव सार्वभौम और बलदेव दोनों जाते हैं जयपुर। तो राजा जो है बड़ा सभा आयोजित करता है जहाँ पे रामानंदी संप्रदाय के अनुयायी और फिर बलदेव विद्याभूषण और उनके असिस्टेंट कृष्णदेव सार्वभौम रहते हैं। तो फिर वहाँ पे वो उनको चार प्रश्न पूछते हैं रामानंदी संप्रदाय के जो अनुयायी रामानंदीज, ये बलदेव विद्याभूषण को पूछते हैं। देखिए हमारा पहला चैलेंज तो है, पहला प्रश्न है कि जो चार संप्रदाय है, हम बोलते हैं कि ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय,
ये चार संप्रदाय इनका वर्णन पद्म पुराण में है, लेकिन ये गौड़ीय संप्रदाय का कहीं पे भी वर्णन नहीं है। तो ये संप्रदाय है गौड़ीय आपका, ये प्रामाणिक नहीं है, शास्त्रीय नहीं है, इसलिए आप ये गौड़ीय जो है राधा गोविंद की पूजा अर्चना नहीं कर सकते। तो फिर बलदेव विद्याभूषण बलदेव जो है वो बोलते हैं, देखिए चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात भगवान कृष्ण हैं, उन्होंने दीक्षा ली थी ईश्वरपुरी से, और ईश्वरपुरी ने दीक्षा ली थी माधवेंद्रपुरी से, और माधवेंद्रपुरी ने दीक्षा ली थी लक्ष्मीपति तीर्थ, जो कि एक माधवा संप्रदाय के सन्यासी हैं, लक्ष्मीपति तीर्थ। तो हमारा जो संप्रदाय है वो माधवा संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। तो लक्ष्मीपति तीर्थ जो है माधवा संप्रदाय के सन्यासी थे, और उनके शिष्य थे माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के शिष्य थे साक्षात चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु से फिर वो परंपरा गोस्वामी और बाकी के सभी आचार्य आते हैं। तो बलदेव ने कहा कि हमारी परंपरा का पूरा वर्णन कवि कर्णपूर ने ये गौड़ गणोदेश दीपिका में पूरा दिया है, कि कैसे ये गौड़ीय संप्रदाय मध्वा संप्रदाय से ही जुड़ा हुआ है, वो अप्रामाणिक संप्रदाय नहीं है, चार संप्रदाय में ही आता है। तो वो बोले, आप कहते हैं कि लक्ष्मीपति तीर्थ से दीक्षा ली माधवेंद्रपुरी ने, लेकिन हम देखते हैं कि माधवेंद्रपुरी का टाइटल क्या है, पुरी, और लक्ष्मीपति तीर्थ का टाइटल है तीर्थ। तो वो टाइटल इनको नहीं मिला, माधवेंद्रपुरी को। अगर लक्ष्मीपति तीर्थ उनके गुरु थे तो इन्होंने भी ये टाइटल लेना चाहिए था तीर्थ, तो इसका अर्थ है वो उनके गुरु नहीं है, तो आपका संप्रदाय कनेक्टेड नहीं है मध्वा संप्रदाय से, ऐसे रामानंदीस बोले बलदेव को। बलदेव बोले कि लक्ष्मीपति तीर्थ जो थे वो माधवेंद्रपुरी के दीक्षा गुरु थे, लेकिन संन्यास जो है वो उन्होंने विष्णुपुरी करके एक सन्यासी थे, उनसे उन्होंने संन्यास लिया था विष्णुपुरी करके। तो ये विष्णुपुरी जो है ये सन्यासी भी मध्वा संप्रदाय में ही आते हैं, और विष्णुपुरी से माधवेंद्रपुरी ने संन्यास लिया, इसलिए उनका टाइटल माधवेंद्रपुरी हुआ, लेकिन जो दीक्षा है वो उन्होंने लक्ष्मीपति तीर्थ से ली थी माधवेंद्रपुरी ने। और संप्रदाय में, किसी भी संप्रदाय में जो दीक्षा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, दीक्षा या शिक्षा को, संन्यास से ज़्यादा। तो संन्यास गुरु हालांकि विष्णुपुरी थे, लेकिन लक्ष्मीपति तीर्थ असली गुरु उनके माने जाते हैं माधवेंद्रपुरी के, क्योंकि उनसे उन्होंने दीक्षा और शिक्षा ली थी। तो उन्होंने कहा कि देखिए विष्णुपुरी भी माधवा संप्रदाय की है, तो उनसे संन्यास लिया था, और लक्ष्मीपति तीर्थ भी माधवा संप्रदाय से, उनसे उन्होंने दीक्षा ली था माधवेंद्रपुरी ने। तो गौड़िया संप्रदाय जो है वो माधवा संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, वो प्रामाणिक है, ऐसे बलदेव ने कहा। तो ठीक है, रामानंदी बोले, हमारा दूसरा प्रश्न, दूसरा ऐसा प्रश्न है कि भगवान नारायण जो है वो परम भगवान है, परम ईश्वर है, और कृष्ण जो है उनके विस्तारित रूप है, लेकिन आप कहते हैं कि कृष्ण परम भगवान है और नारायण उनके विस्तारित रूप है। तो हम कहते हैं कि जो लक्ष्मी नारायण, नारायण जो है वही ओरिजिनल परम ईश्वर है, और भगवान कृष्ण जो है उनके विस्तारित रूप है। तो बलदेव कहते हैं कि देखिए, जो भगवद गीता में भगवान ने क्या कहा है, भगवद्गीता किसने कही है, भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात अर्जुन को 5000 साल पहले, और ये भगवद्गीता उसमें भगवान ने क्या कहा है, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुध भाव समन्विता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कैसे सब कुछ मुझसे आता है, सभी चीज़ों का स्रोत मैं हूँ, ऐसे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो इसमें सारी चीज़ें आ जाती है, जो चर अचर जीवित और जो मृत, सभी चीज़ें, हम जिसको देख सकते हैं जिसको नहीं देख सकते, सभी चीज़ें जो है उसके स्रोत है भगवान श्री कृष्ण। और ये तक जो जीवात्मा तो आते ही है भगवान से, बाकी के निर्जीव वस्तु पदार्थ भी आते हैं, लेकिन
जो भगवान जो विष्णु के अलग अलग अवतार है, नारायण के अवतार है, वो भी भगवान श्री कृष्ण से ही आते हैं। ऐसे भगवान ने खुद कहा है भगवद गीता में कि अहम सर्वस्य प्रभु, मुझसे सब कुछ आता है। जो विष्णु के अलग अलग रूप है और नारायण भी है, वो भी किससे आते हैं? वो भगवान श्री कृष्ण से आते हैं। तो ऐसे बलदेव ने कहा। और फिर बलदेव ने कहा कि कैसे भगवान कृष्ण है, उनमें 64 गुण हैं, 64 क्वालिटीज़, और भगवान नारायण या विष्णु में सिर्फ 60 गुण हैं। तो जो वेणु माधुरी, लीला माधुरी, प्रीति माधुरी और रूप माधुरी, ये चार जो एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ है, वो सिर्फ भगवान कृष्ण में है, वो विष्णु में भी नहीं है। इसका अर्थ है कि भगवान कृष्ण ही परम है। जैसे भागवतम में भी कहा है, एते चाम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे। ऐसे भागवतम में कहा है कि कैसे ये सभी कला और अंश जो है, विष्णु नारायण के रूप है, वो सिर्फ क्या है? भगवान के विस्तारित रूप है। लेकिन भगवान कृष्ण क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ऐसे बलदेव ने कहा। फिर और उसके प्रूफ दिए, एविडेंस दिए बलदेव ने। और क्या बोले कि कैसे सबसे पहले कृष्ण से विस्तारित रूप निकलते हैं बलराम जी, और फिर बलराम जी से आते हैं चतुर्व्यूह, जो कि वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, और फिर उनसे संकर्षण से आते हैं नारायण, और उन नारायण से आते हैं, और फिर से वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, चतुर्व्यूह, दूसरे चतुर्व्यूह आते हैं, और फिर उस संकर्षण से, उस दूसरे चतुर्व्यूह के संकर्षण से आते हैं महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु से आते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, और गर्भोदक्षाय विष्णु से आते हैं शिरोदक्षाय विष्णु। तो ऐसे भगवान कृष्ण जो स्रोत है सभी के, तो वहाँ से शुरुआत होती है, और विष्णु जो है उनके एक विस्तारित के विस्तारित के विस्तारित के विस्तारित रूप है, ऐसे बलदेव ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि ब्रह्म संहिता में क्या कहा है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद जो भगवान कृष्ण है, वही सर्व कारण कारणम। ये ब्रह्म संहिता जो ब्रह्मा जी के प्रार्थना है उसमें कहा है कि भगवान कृष्ण ही सभी के स्रोत है, सर्व कारण कारणम। फिर तीसरा प्रश्न पूछा रामानंदी ने। तीसरा प्रश्न हमारा ऐसा है कि राधा के साथ कृष्ण, ये दोनों की जोड़ी क्यों है? राधा के जगह पे उनकी बाकी जो रानियां हैं वो चाहिए, सत्यभामा या रुक्मिणी, क्योंकि उनका विवाह हुआ है भगवान कृष्ण से, राधा रानी का विवाह नहीं हुआ, इसलिए जो राधा गोविंद की जो पूजा आप कर रहे हैं जयपुर में, तो वो शास्त्रीय नहीं है, अप्रामाणिक है। राधा रानी का विवाह नहीं हुआ, इसलिए राधा रानी वहाँ पे नहीं रह सकती भगवान कृष्ण के साथ। तो बलदेव कहते हैं, देखिए भगवान की अंतरंगा शक्ति जो है वो राधा रानी, तो कोई व्यक्ति अपने अंतरंगा शक्ति से विवाह क्यों करे? वो तो अंतरंगा शक्ति है, वो तो भगवान के साथ हमेशा ही रहती है, तो उनको विवाह करने की ज़रूरत नहीं। फिर भी भागवतम में इसका वर्णन है कैसे, जब ब्रह्म विमोहन लीला जब हुई थी, जब जो ब्रह्मा जी आए थे और उन्होंने ग्वाल बालों को चुराया था, बछड़ों को चुराया था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपने विस्तार स्वरूप साक्षात सभी ग्वाल बालों के रूप में परिवर्तित हो गए, सभी बछड़ों के रूप में परिवर्तित हो गए एक साल के लिए। तो वो जब घर गए अपने अपने, तो उस समय पूर्णमासी जो है वृंदावन में, उसने कहा कि यही सबसे अच्छा मुहूर्त है, इसी साल सभी गोपियों का विवाह हो जाना चाहिए गोपों के साथ। तो उस समय जब गोप बाल कौन थे? साक्षात कृष्ण। सभी गोप बाल जो थे साक्षात कृष्ण थे, क्योंकि जो ओरिजिनल गोप बाल थे वो ब्रह्मा जी ने चुरा लिए थे, एक साल के लिए उनको अलग जगह पर रखा था। तो एक साल में, उस साल में सभी गोपियों का विवाह हुआ गोप बालों के साथ, और गोप बाल कौन थे? भगवान कृष्ण, और उसमें राधा रानी भी थी, राधा रानी का भी विवाह हुआ भगवान कृष्ण के साथ। तो ये प्रूफ है, एविडेंस है कि राधा रानी का विवाह हुआ है कृष्ण के साथ, ऐसे बलदेव उत्तर देते हैं। और वो बृहद गौतमीय तंत्र में से ये श्लोक भी कहते हैं, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता
सर्वलक्ष्मीमयी सर्वा कांति सम्मोहिनी परा। तो ये श्लोक में कहा है कि कैसे राधा रानी जो है सभी लक्ष्मियों की स्रोत है, सभी जो रानियां है 16108 भगवान की, उनके भी स्रोत कौन है, राधा रानी ही है। तो ऐसे उन्होंने कहा, तो ये भी मान गए रामानंदी। लेकिन वो बोले हमारा चौथा प्रश्न ऐसा है कि आपके संप्रदाय में जो वेदांत सूत्र है उसके ऊपर किसी ने भाष्य लिखा नहीं है। हर एक संप्रदाय का भाष्य है, ब्रह्म संप्रदाय का भाष्य है, फिर श्री संप्रदाय का भाष्य है, कुमार संप्रदाय का भाष्य है, रुद्र संप्रदाय का भाष्य है। वेदांत सूत्र के ऊपर जो वेदांत सूत्र है 550 वेदांत सूत्र जो व्यास देव ने खुद लिखे थे, उसके ऊपर हर एक संप्रदाय में आचार्य ने एक भाष्य लिखा है। लेकिन आपके गौड़िया संप्रदाय में किसी ने भाष्य लिखा नहीं है, इसलिए आपका संप्रदाय प्रामाणिक नहीं मान सकते हम। तो ये सारे तर्क आपने जो दिए है वो बेसलेस है, क्योंकि आपके पास कोई भाष्य है ही नहीं वेदांत सूत्र का, तो आप ये कैसे कह सकते हैं। तो बलदेव ने कहा, देखिए चैतन्य महाप्रभु जो हमारे गौड़िया संप्रदाय में आए थे, जो साक्षात भगवान कृष्ण है, उन्होंने क्या कहा कि जो भागवतम जो है वो एक नेचुरल भाष्य यानी नैसर्गिक भाष्य है वेदांत सूत्र के ऊपर, क्योंकि वेदांत सूत्र व्यासदेव ने लिखे और भागवतम किसने लिखा, व्यासदेव ने लिखा। तो एक नैसर्गिक भाष्य होते हुए और एक भाष्य लिखने की क्या ज़रूरत है। तो महाप्रभु ने कहा कि गौड़िया संप्रदाय में भाष्य लिखने की ज़रूरत नहीं वेदांत सूत्र के ऊपर, क्योंकि जो ऑथर है वेदांत सूत्र के व्यासदेव, उन्होंने ही वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखा है और वो है श्रीमद् भागवतम, तो हमें और लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बलदेव ने ऐसा कहा, लेकिन रामानंदी माने नहीं। वो बोले, नहीं आपका भाष्य हो तो हम आपका संप्रदाय स्वीकारेंगे, नहीं तो जयपुर के राधा गोविंद मंदिर में गौड़िया जो है उस राधा गोविंद की पूजा अर्चना नहीं कर सकते, वहाँ पे राधा रानी नहीं रह सकती, आपका एक भाष्य होना चाहिए। तो फिर जो राजा थे उन्होंने बलदेव विद्याभूषण को कहा कि आप 18 दिन में अगर भाष्य लाते हैं तो हम स्वीकार कर सकते हैं, नहीं तो फिर ये रामानंदी जो है वो पूजा अर्चना करेंगे राधा गोविंद देव की, गौड़िया नहीं कर सकते, गौड़िया को प्रामाणिक संप्रदाय नहीं मान सकते। तो 18 दिन मिले बलदेव को भाष्य प्रस्तुत करने के लिए। तो जब बलदेव गए राधा गोविंद के पास, उनको प्रार्थना की, याचना की कि मदद करो, ये भाष्य लिखना कोई साधारण चीज़ नहीं है, इतना बड़ा भाष्य 550 सूत्र है उसके ऊपर भाष्य लिखना बहुत मुश्किल है। तो उस समय वो राधा गोविंद जो भगवान गोविंद है, गोविंद जी है, वो उनके सपने में आए और उनको कहा कि चिंता मत करो, मैं खुद आपको भाष्य बोलूँगा और आप लिखते जाओ, 18 दिन में पूरा भाष्य पूरा हो जाएगा, चिंता मत करो। तो जो गोविंद जी है उन्होंने कंटिन्यूस 18 दिन बलदेव को भाष्य बोला वेदांत सूत्र के ऊपर, और बलदेव ने वो पूरा लिख लिया एज इट इज जैसे भगवान ने कहा था। तो फिर 18 दिन के बाद फिर से बलदेव जो है रामानंदी के पास गए, राजा के पास गए, राजा जयसिंह के पास, और वो भाष्य प्रस्तुत किया। और जब ये रामानंदी ने ये भाष्य देखा तो इतने आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि ऐसा भाष्य था कि उसका एक शब्द का भी हम खंडन नहीं कर सकते थे, और एक शब्द का भी वो उसका निरस्त नहीं कर सकते, एक शब्द को भी ऐसा भाष्य लिखा था, उसके ऊपर कुछ बोल ही नहीं सकते। तो तभी फिर सभी रामानंदी खुश हो गए, राजा भी खुश हो गए, और वो भाष्य उन्होंने स्वीकार किया, गौड़िया संप्रदाय को भी स्वीकार किया, और वो इतने खुश हो गए कि बलदेव को टाइटल दिया राजा ने, क्या, बलदेव विद्याभूषण, विद्या के जो भूषण है बलदेव विद्याभूषण, ऐसा उनको टाइटल मिला तब से राजा से। और जो गोविंद जी है उनको भी एक और एक नाम दिया, विजय गोविंद, क्योंकि उनके वजह से ही विजय हुआ। और जो भाष्य था उसको नाम दिया गोविंद भाष्य, क्योंकि गोविंद जी ने साक्षात बोला है वो भाष्य। और जो रामानंदी थे वो इतने खुश हो गए बलदेव विद्याभूषण से कि वो चाहते थे कि वो उनको दीक्षा दे। लेकिन फिर बलदेव ने कहा, बलदेव विद्याभूषण ने, नहीं, क्योंकि आपका जो संप्रदाय है श्री संप्रदाय, वो प्रामाणिक संप्रदाय है,
और आपने वहाँ पे दीक्षा ली है, फिर से यहाँ दीक्षा लेना वो एक अपराध माना जाएगा। इसलिए मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता, आप शिक्षा ले सकते हैं जितनी भी लेनी है। तो बाद में जो ये संप्रदाय है हमारा गौड़िया संप्रदाय, उसकी स्थापना हुई और राधा गोविंद की जो सेवा और अर्चना गौड़िया संप्रदाय करते रहे और आज भी करते हैं, और राधा रानी की फिर से वहाँ पे स्थापना हुई भगवान कृष्ण के बाजू में। तो इसीलिए बलदेव विद्याभूषण को कहते हैं गौड़िया संप्रदाय के रक्षक, उन्होंने रक्षण किया गौड़िया संप्रदाय का। तो ऐसे बलदेव विद्याभूषण ने काफ़ी सारी किताबें लिखी, उसमें एक तो पहले गोविंद भाष्य जो कि साक्षात भगवान ने कहा था, दूसरी किताब लिखी उन्होंने प्रमेय रत्नावली, जो कि मध्वाचार्य ने 9 प्रकार के 9 प्रमेय दिए थे। प्रमेय यानी प्रमाण या प्रिंसिपल्स या कंसेप्ट्स, तत्व। तो ये 9 तत्व जो मध्वाचार्य ने दिए थे, इनके ऊपर विस्तार जो किया बलदेव विद्याभूषण ने, उस पर किताब लिखा प्रमेय रत्नावली। और फिर बाद में कई सारे किताबें लिखी, उसमें से जो है ऐश्वर्य कादम्बिनी एक किताब लिखी, जैसे माधुर्य कादम्बिनी है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा, ऐश्वर्य कादम्बिनी बलदेव विद्याभूषण ने लिखी। फिर भगवद्गीता के ऊपर भाष्य लिखा उन्होंने, और फिर वैष्णव नंदिनी टीका जो भागवतम के ऊपर टीका है उन्होंने लिखी। फिर ये सारे 10 उपनिषद है उसके ऊपर टीका लिखी, और तत्व संदर्भ जो जीव गोस्वामी का तत्व संदर्भ है उसके ऊपर टीका लिखी, स्तवमाला के ऊपर लिखी, विष्णु सहस्त्र नाम और लघु भागवतामृत इन पे भी उन्होंने टीका लिखी। तो ऐसे कई सारे किताबें बलदेव विद्याभूषण ने लिखी। तो ये जो बलदेव विद्याभूषण है हमारे संप्रदाय में बहुत बड़े आचार्य है, और उनकी जो शिक्षाएँ हैं वो माधवा संप्रदाय से भी जुड़ती हैं और गौड़िया संप्रदाय से भी। तो उन्होंने दिखा दिया कि गौड़िया संप्रदाय कुछ अलग नहीं है मध्वा संप्रदाय से, वही है, मध्वा संप्रदाय से ही जुड़ा हुआ है, बस थोड़ा सा क्या अलग है, यहाँ पे अचिंत्य भेदाभेद तत्व का निरूपण किया है गौड़िया संप्रदाय में, और मध्वा संप्रदाय में क्या है, द्वैतवाद है, तो थोड़ा फर्क है, ज़्यादा नहीं। तो हमारा जो गौड़िया संप्रदाय वो प्रामाणिक है, मध्वा संप्रदाय से जुड़ा है, ये बलदेव विद्याभूषण ने स्थापित किया। तो ऐसे जो बलदेव विद्याभूषण है हमारे आचार्य, उनको गौड़िया संप्रदाय के रक्षक करके माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने एक साक्षात मध्वा संप्रदाय से 2 प्रिंसिपल्स तत्व लिए, एक तो मायावाद खंडन और दूसरा है डीटी वर्शिप अर्चना। तो ये 2 प्रिंसिपल्स मध्वा संप्रदाय से महाप्रभु ने लिए। तो महाप्रभु और बलदेव विद्याभूषण ये दिखाना चाहते हैं कि हम क्या है, मध्वा संप्रदाय से जुड़े हैं, 4 संप्रदाय में ही आते हैं, गौड़िया संप्रदाय प्रामाणिक है, तो ये इससे स्थापित होता है। और ऐसे बलदेव विद्याभूषण जो हमारे बड़े आचार्य थे, उन्होंने फिर शरीर 1790 में ये शरीर त्याग के वो भगवान कृष्ण की सेवा में चले गए, राधा कृष्ण की सेवा में। तो उनका जो पूरा जीवन एक बहुत ही बढ़िया जीवन है, जिसमें उन्होंने दिखा दिया कि एक भक्त जो है भगवान के लिए कुछ भी कर सकता है। तो बलदेव विद्याभूषण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा।